सो यार भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू Xiaomi MIUI के ग्लोबल बीटा रोम के अपडेट रिव्यू के वीडियो पर, जिसका बिल्ड नंबर है 9.5.16। और इस वीडियो में आपको इसका फुल रोम का रिव्यू करने वाला हूँ। इसमें क्या क्या नए फीचर्स आया है, कौन से नए चेंजेस को किया गया है, कौन से प्रॉब्लम थे जिसे फिक्स किया गया है, और कौन से ऑप्शन या कौन से नए फीचर्स को ऐड किया गया है। सो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक प्लीज भाई लोग जरूर देखना है। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई लोग, आप सबसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट इस वीडियो में भी करना चाहता हूँ। अगर आपको लगे ये वीडियो अच्छा था तो प्लीज भाई लोग इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज्यादा, बोले तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिल जाता है वीडियो को बनाने में और आपके साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में। सो हो सके तो भाई लोग प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई लोग, मैं इस वीडियो में जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ इसका नाम है Redmi Note 5 Pro, और मुझे इस डिवाइस में अपडेट मिला था शाम के 4 या 5 बजे के आसपास मुझे अपडेट मिल गया था। और अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं आया तो प्लीज वेट कर लीजिए, आपको बहुत जल्द अपडेट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो भाई लोग इसका देख लेते व्हाट्स न्यू पे क्या लिखा है। तो भाई लोग इसका जो व्हाट्स न्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो आप मुझे ये बताओ, Xiaomi वाले क्या सस्ते नशे करके ये लिखता है? प्लीज भाई लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो भाई लोग इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या नया आया है। तो सबसे पहला यह चेंजेस या नया जो फीचर्स आया है वो सिंपली है ऐप वॉल्ट की यूटिलिटीज में। तो अगर आप जाओगे सिंपली ऐप वॉल्ट पे एंड थोड़ा सा स्क्रोल करके यूटिलिटी पे देखो, तो यहाँ पर यूटिलिटी पे आपको देखने को मिल जाएगा मोर का बटन। तो आप मोर के बटन पे आप जब टैप करोगे तो यहाँ पर काफी सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर न्यूज के लिए काफी सारा चैनल्स या एप्लीकेशन है, मूवीज के लिए है, आपको रिचार्ज करने के लिए भी मिल जाएगा। अगर आप कैब वगैरह भी बुक करते हो तो उसके लिए अब आपको मिल जाएगा। फूड वगैरह अगर आप ऑनलाइन पे ऑर्डर करते हो तो आपको स्विगी एंड फूडिस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देन शॉपिंग करने के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो आपको है ही है। और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा मी का कैलकुलेटर, जिसमें आप BMI, डिस्काउंट और परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसमें सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, आप इसे ऑल इन वन एप्लीकेशन भी कह सकते हो। और यहाँ पर दूसरे जो चेंजेस है वो सिंपली है मी का कैलेंडर पे। मी कैलेंडर का जो लैंग्वेज का UI है उसे थोड़ा सा हटा करके आपको कुछ इस तरीके आपको UI देखने को मिल जाएगा। कैलेंडर में भी आपको छोटा मोटा चेंजेस किया गया है। और यहाँ पर थर्ड या तीसरे जो चेंजेस मिल जाता है वो सिंपली है मी का थीम स्टोर पे। तो अगर आप मी का थीम स्टोर पे जाओगे तो इसका जो UI है वो थोड़ा सा व्हाइट वॉश मिनिमल आपको क्रिएट कर दिया गया है, जो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। सो MIUI 10 का 9.5.16 का इस अपडेट में और कुछ ज्यादा चेंजेस या और कुछ ज्यादा नए फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही छोटा सा 150 MB के अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। ये अपडेट का रिव्यू कैसा लगा, ये अपडेट के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। सो अगर आपको अपडेट के वीडियो पसंद आई है तो प्लीज भाई लोग हिट दैट लाइक बटन। सो अगर आपने लाइक कर दिया सो थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।